गाड़ी लेने लायक है सर और पार्टी को? नहीं भैया, वो परेशान हो जाएगा। परेशान हो जाएगा? हाँ एकदम परेशान हो रहा। इस साला इलेक्ट्रिक कर दिया है, कहाँ से फॉल्ट होगा, कोई ठिकाना है? अगर कोई बदल देगा तो हम ले लेगा, बदल लेगा गाड़ी। अरे वायरिंग जला देगा, आपको लहक जाएगा गाड़ी, गाड़ी पूरा आग लहर लेगा, पूरा आग लहर जाता है। तीन वो वायरिंग दिया है, मगनियों में मांगा आता है। इसका इंजन बेहयात कर दिया है एकदम, इंजीनियर के दिमाग काम नहीं किया है। जय बाबेश्वर मेरे प्यारे भाई, आपका स्वागत है आपका अपने ऑटो चैनल ऑटो टेक सीट पर। आशा करता हूँ सभी कुशल मंगल से होंगे। तो ये देखिए, यह महिंद्रा अल्फा प्लस BS6 कार्गो मॉडल, आप देख सकते हैं जो नई लॉन्च हुई है BS6 मॉडल में डीजल इंजन। इस गाड़ी का हम लोग ऑनर रिव्यू करेंगे। रिव्यू तो आप बहुत सारे चैनल पर देखे होंगे, थोड़ा ऑनर रिव्यू करेंगे। और ये गाड़ी का उम्र हो गया है 8 महीना। ये रहा इसका इंजन, इसका इंजन है। और ये रहा यहाँ पर एक डीजल टैंक, इसका डीजल टैंक है। और ये आपका 50 एम्पियर का बैटरी एमरॉन में मिलेगा। और नीचे में ही आपको स्टेपनी मिलेगा ड्राइवर साइड सीट के नीचे। और यहाँ पर एक वाटर होल्डर और एक केबिन जो पहले आता था मेरे प्यारे भाइयों, केबिन उसी तरह का है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। मीटर चेंज हुआ है, स्पीडोमीटर, टेम्परेचर मीटर और फ्यूल मीटर नया इसमें मीटर लगाया गया है। डैशबोर्ड वही आपका पुराना वाला ही है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। और यहाँ पर आपका बंद चालू का ऑप्शन हटा दिया गया है, जहाँ पर आप डी उठाते थे स्टॉप करते थे, सिर्फ आपका रिवर्स गियर का लीवर यहाँ पर है। और नीचे में आपको हैंड ब्रेक मिलेगा, चाबी से ही ऑन ऑफ और ऑफ ऑफ का इंजन होगा। ये गाड़ी आप देख सकते हैं चल गया है। ऑनर का बात किया जाए और क्या गाड़ी में खास है या क्या उनको अच्छा लगा। राम राम सर जी, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम लड्डू यादव। लड्डू यादव जी। तो लड्डू जी, हाँ, कितना दिन हुआ गाड़ी चलाते हुए आपको? गाड़ी चलाते हुए करीब करीब 15 साल। 15 साल हो गया जी। कौन कौन मॉडल आप गाड़ी चला चुके हैं? मॉडल तो 3 भी चलाए हैं, 4 भी चलाए हैं, 6 भी चलाए हैं, अभी चला रहे हैं। अभी चला रहे हैं जी। तो 3 और 4 और 6 में क्या आपको अंतर समझ में आया? हमको तो 4 बहुत सुंदर लग रहा है, हम तो फंस गए हैं ये गाड़ी लेके। मतलब 4 आपको ज्यादा बेहतरीन लगता है? बहुत बहुत सुंदर है, तो उसको कहीं से उठा के ले आएंगे, लेकिन ये नहीं आएगा। नहीं आएगा? नहीं नहीं नहीं, सवाल ही नहीं उठता। ये वो कोड निकलने के बाद बस फंस जाइए। कल गांधी सेतु पर फंसे हुए थे, पटना गांधी सेतु, पटना गांधी सेतु पर गाड़ी टोचन करवा के पुल से बाहर निकलवाए। मिस्त्री से भी काम नहीं हुआ, 4 वाला मिस्त्री भी नहीं है ढंग का। ये वो कोड निकालना था, नहीं निकला, 2 घंटा परेशान रहा। हाजीपुर एजेंसी में, प्याजू एजेंसी का ही तो अल्फा है, लेकिन सामान करीब करीब एक ही लगता है। तो वहाँ गए तो मिस्त्री करीब करीब 1 घंटा ये वो कोड निकालने में लगा। ये आपको परेशान करती है बहुत ज्यादा? हर आदमी को जो भी गाड़ी लिया है रो रहा है, एकदम एकदम रो रहा है। अगर कोई बदल देगा तो हम ले लेगा, बदल लेगा गाड़ी। अरे मगनियों में मांगा आता है, इसका इंजन बेहयात कर दिया है एकदम, इंजीनियर के दिमाग काम नहीं किया है। क्लच मांगा गाड़ी, हाँ क्लच में भी सब सारा फंक्शन चेंज कर दिया है। एक्सीलेटर में प्रॉब्लम होगा, जरा सा फंस जाएगी गाड़ी। अरे उसमें तारे ना टूटता था भैया? हाँ BS4 में तो तार सिस्टम, तार। इस साला इलेक्ट्रिक कर दिया है, कहाँ से फॉल्ट होगा, कोई ठिकाना है? कहीं भी गाड़ी फंसा देगा, एकदम फंस जाएगी। और आप लंबा लंबा दूरी चलते भी? लंबा लंबा चलते हैं। एक दिन फंस गए यहाँ आपको जयपुर से आगे। अरे परेशान कर ले, 6 महीना में समझिए 75 बार कंपनी गए। 75 बार गए हैं? 75 बार रिकॉर्ड वहाँ बना हुआ है। हम तो 6वां बेकार हो गया, फंस गए लेके। तो BS4 मतलब शोरूम में खोजे नहीं थे उस टाइम? नहीं बॉस, नहीं मिल रहा था। क्या क्या मतलब पहले से इसमें आपको चेंजिंग लग रहा है BS4 से BS6 में? चेंजिंग तो बहुत कर दिया है, सारा चीज मतलब इलेक्ट्रिक कर दी से, सारा सामान बदल दिया। हाँ सारा सामान नहीं, कोड लगा दी से, सामान तो वही है। इंजन चेंज हुआ है?
हाँ इंजन चेंज हुआ है, आप कोड लगा दिया है, कोड लगा दिया, वायरिंग सिस्टम है जो वही प्रॉब्लम, वही प्रॉब्लम है। वायरिंग चला था आपको लहक जाएगा गाड़ी, गाड़ी पूरा आग लगा, पूरा आग लहर जाता है। तीन गो वायरिंग दिया है, तीन गो इसमें वायरिंग लगता है। अच्छा, ये वो से गुजारा नहीं है, तीन गो चेंज होगा अगर कुछ होगा फॉल्ट। हम इसका जहाजी चेंज करवा दिया तो नया, हाँ उसका अच्छा माउंटिंग वाला करेक्ट कर गया था। हाँ, नया गाड़ी का है। हाँ, नया गाड़ी का है। अरे बाप रे बाप रे बाप, अगर दूसरे के हाथ में रहेगा तो आप परेशान करेगा, हम पुराना है तो मिला जुला के घींच रहे हैं, घींच रहे हैं, गरबाक्सा भी खुल गया। देखिए रात जो है कल ई वाला जो है ई वाला कोर्ड का एगो तार टूट गया। अच्छा। अब गाड़ी हीट होने लगा। हाँ। गाड़ी जरीको नहीं बढ़े, कोली सब वगैरह ये सब देखते हैं, चेक करते हैं। हाँ तो मतलब गमता है पानी इसमें। हाँ कूलिंग, कूलिंग कभी थोड़ा पानी भी डाल देते हैं, थोड़ा ज्यादा डला गया आज, उससे भी फॉल्ट नहीं है। नहीं नहीं, अरे बड़ी इसमें मुश्किल का दौर है, तो माथा खराब हो रहा है। माइलेज वही देता है 24। तो माइलेज भी तो कम है उससे, बहुत कम है, था बहुत कम है, कि 30 का भी देगा जीवन में कभी नहीं है। नया फोरवा है 30 देगा, 30 32 35 दे देगा आपको। फोर आपका 30 देता था। हाँ आई 24 देता आराम से। हाँ तो उसमें आओ कम ही देगा, तो मैंने 20-22 मान। हाँ 20-22 मान के चलिए, इतना माइलेज मैंने महिंद्रा प्लस का कम है, बहुत कम है, था बहुत कम। सर्विसिंग क्यों करा चुके हैं? ये तो हो गया लगता है कि 7-8 को से कम हुआ है, ज्यादा ही हो गया है। हाँ हम करवा देते हैं 5,000 पे, वो बोलता है 8,000-10,000। हाँ। लेकिन हम 5,000-6,000 पर करवा देता है। मैंने पहला ही इंजन का लाइफ बदल दिया है। कितना लंबा लंबा दूरी तय करते हैं एक बार में? दूरी तो वही 50 पर होल्ड करते हैं, थोड़ा 50 चल के रुक जाते हैं। हाँ 50-30 गाड़ी सही रहे। हाँ लोडिंग भी कम, मतलब 8 क्विंटल से ज्यादा नहीं लेते हैं, 9 क्विंटल से ज्यादा नहीं, हार्डली 9 क्विंटल। टन तो लोडिंग तो इसको 1 टन से ऊपर दिया हुआ है, लेकिन हम लोड नहीं करते, लोड नहीं करते, असहब नहीं करेगा। कल 24 मन लाया है तो कैसे कैसे लाया है? BS4 से पास ले लेता है ये? नहीं जी, रोड पर नहीं जी, हमारा पास नहीं देता है BS4 आपको पास नहीं देता। नहीं जी, पिकअप है, 60 भाग जाएगा। हाँ। आ, लेकिन पकड़ा नहीं जाएगा, वो 50 रहेगा, 45 रहेगा, लेकिन स्पीडवा उसका दूसरा है। तो मतलब स्पीडोमीटर इसका बढ़ा के कादे दिया है, लग ही रहा है, मैंने कही लगे ओनर और ड्राइवर को कि मतलब हम 60 में गाड़ी चला रहे हैं, चला रहे हैं, कह रहे हैं ना कि फोरवा 45 में रहेगा, 60 में रहेगा, वैसा दिया है, किलोमीटर नहीं पकड़ाएगा, नहीं पकड़ाता है, नहीं पकड़ाता है। हम बहुत बार ट्राई कर लिए हैं। कितना गाड़ी कीमत पड़ा था? गाड़ी 298। 298 जी, मतलब 3 लाख तक मान के चलिए। हाँ, 3 लाख से बेसी था डाला छोड़ के। डाला में कितना लगा था? डाला में तो हमको कम में लगा था, इसे 25,000 लगता है, 24-25 लगता जी, जी, पूरा फुल डाला बनाने में। हाँ 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 हाँ, डाला भी आपका है मजबूत बनावल। हाँ मजबूत बनावल है। 14,000 लिया था मिस्त्री। गाड़ी लेने लायक है सर और पार्टी को? नहीं भैया, परेशान हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। हाँ एकदम परेशान हो जाएगा। फोरवा पुराना भी रहेगा, इंजन थोड़े पुराना होता, उसका काम करवाते रहिए, बेहतरीन रहेगा। सही बात, काम करवाते रहिए तो बेहतरीन रहेगा। मतलब गाड़ी लेने लायक नहीं? नहीं नहीं, फंस जाएगा तो रो रहा है, कितना आदमी रो रहा है, था रो रहा है। हाँ रो रहा है, जो भी लिया है उससे पूछिएगा ना। नहीं तो हम तो आप देखे कि आप भाई है, तो हम आप ही से ले लेते हैं। हाँ, दिक्कत एक नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बड़ी परेशान कर रहा है बाप, बहुत परेशान करता है। तब तो आप देख सकते हैं मेरे प्यारे भाइयों, महिंद्रा अल्फा प्लस के ओनर और ड्राइवर खुद हैं, तो इनका हमने राय जाना, तो ये तो खैर बता रहे हैं कि गाड़ी लेने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी मार्केट में गाड़ी आइए रहा है और ले रहा है ना। अब लास्ट है, लास्ट है। हाँ CNG निकाल दिया ना। हाँ CNG निकाल, CNG निकाल दिया, दोनों प्याजू और वो दोनों। CNG गाड़ी चला है कि नहीं? ना CNG नहीं चला, अभी नहीं चला है। नहीं। और कुछ नेगेटिव पॉइंट कुछ ऐसा है तो बताइए, मीटर वगैरह चीज छोटी बोटी आवाज तवाज झंझनाहट कुछ भी? बहुत घड़घड़ाहट इंजन का था। देखिए
ये इंजन का साउंड है हमारे 12 बजे देख के सुनते हैं थोड़ा। गाड़ी है सलाम थर थर करता है सब, माथा खराब करता है, नया गाड़ी के ही हाल है। देखिए तो साउंड तो बहुत है भाई, शीशा वगैरह पूरा झनझनाहट आ रहा है, पूरा वाइब्रेशन कर रहा है। और ओढ़ना भी छोड़ना सब गाड़ियों में रखते हैं, सब 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 कंबल वगैरह। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे प्यारे भाइयों, और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। तो ऐसे ही और वीडियो के साथ मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, धन्यवाद।